अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और हमारा नोटिफिकेशन पाने और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पैसे का जादू। राजा चंद्रवान विद्वानों का बड़ा आदर सम्मान किया करते थे। एक दिन उनकी सभा में कहीं से कष्ट पीड़ित एक पंडित आया। राजा ने उसको बहुत उदास और चिंतित मुद्रा में देखकर कुशलता पूछी। तब पंडित ने एक श्लोक में अपना सारा दुख कह सुनाया, जिस श्लोक का अर्थ इस प्रकार था, राजन मेरी माँ ना तो मुझसे प्रसन्न होती है न मेरी पत्नी से, और मेरी पत्नी भी न तो मुझसे प्रसन्न होती है न ही मेरी माँ से, और साथ ही मैं भी न तो अपनी माँ से प्रसन्न रहता हूँ और न ही अपनी पत्नी से। बताइए इसमें किसका दोष है? महाराज समझ गए कि पंडित के घर में नित्य कलह रहती है और इसके घर में कोई भी किसी से प्रसन्न नहीं रहता, इसलिए ये पंडित दुखी है। महाराज ने मन में सोचा, अवश्य ही पंडित के घर में बड़ी गरीबी होगी। गरीबी में आपसी प्रेम सहानुभूति बिल्कुल नहीं रह जाती है और छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते रहते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। अगर पंडित के घर में सबको खाने पीने का सुख होता तो कोई भी किसी से असंतुष्ट क्यों रहता? धन का अभाव ही सबकी अप्रसन्नता और विरक्ति का एकमात्र कारण है। राजा ने रोग को ठीक से पहचान कर उसकी ठीक औषधि दे दी। उससे पंडित के घर का रोग सचमुच निर्मल हो गया। महाराज से धन लेकर पंडित थैली खनखनाता हुआ अपने घर लौटा। पहले जब वह बाहर से खाली हाथ आता था तब घर में कोई उसे पूछता भी नहीं था, किंतु इस बार तो वह खूब पैसे कमाकर मालदार हो गया था। उसका आदर सत्कार घर के अंदर क्यों न होता? पत्नी ने दौड़कर उसका स्वागत किया और बड़े प्रेम से पूछा, कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें मोह से व्याकुल दिन रात तुम्हारी राह देखती रहती थी। इसके बाद माँ ने बहू से कहा, बहुरानी ला मैं पंखा चलाती हूँ। तो दौड़कर जल्दी हाथ मुँह में धोने के लिए पानी लिया, फिर जल्दी चूल्हा जलाकर कुछ खाने को बना दें। पत्नी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, अभी पकाती हूँ माँ जी। अपने परिवार में पंडित ने ऐसा सद्भाव और प्रेम व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था। उस दिन से पहले तो वे आपस में सीधे में बात भी नहीं किया करते थे। माँ बेटे, पति पत्नी, सास बहू में बात बात पर कहा सुनी होती ही रहती थी। घर में सबका मुंह लटका हुआ फूला हुआ ही मिलता था, लेकिन अब तो सब स्वभाव प्रसन्न लगते थे। पैसे ने पंडित के घर की कलह दूर कर दी थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सच है यदि घर में पैसा न हो तो अवश्य ही घर के अंदर झगड़े होते हैं। यहाँ तक कि यदि बेटे के पास पैसे नहीं है तो उसके माँ बाप बेटे से सीधी मुंह बात करने को राजी नहीं होते। इसलिए यदि घर के अंदर अच्छा माहौल बनाना हो तो पैसे पर्याप्त मात्रा में अवश्य होनी चाहिए। ये शिक्षा सिर्फ इसी कहानी तक ही लागू होती है, वरना माँ बाप का प्यार तो अमूल्य होता है। चाहे बेटे के पास पैसा हो या न हो, उनका प्यार सदैव एक जैसा ही रहता है।